इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पुरानी पेंशन स्कीम एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, जो सीधे तौर पर केंद्र की मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ साथ राज्यों की सरकारों को भी बड़ा प्रभावित करेगी, क्योंकि विपक्ष की कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करना शुरू कर दिया है, साथ ही ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन किया है। दिल्ली के रामलीला मैदान में जारी ओल्ड पेंशन शंखनाद रैली में प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर से दिखा दिया कि नई पेंशन योजना का वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं। वो सेवानिवृत्ति के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि कर्मचारी पुरानी पेंशन को लेकर कितने आक्रामक हैं। ज्वाइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के बैनर तले पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के लिए एक बार फिर से महारैली की गई। महारैली के आयोजकों का दावा है कि इस रैली में तकरीबन 20 राज्यों से सरकारी कर्मचारी हिस्सा लेने पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जो पार्टी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा करेगी, उसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता में लाना चाहिए। हाथों में तख्तियां, हाथों में झंडे लिए प्रदर्शनकारियों ने इंकलाब जिंदाबाद और कर्मचारी एकता जिंदाबाद के नारों से दिल्ली को गूंज दिया। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के नेता विजय कुमार बंधु ने कहा कि हमने पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने का आह्वान किया है और हम अपने संघर्ष से कई राज्यों में OPS को सफलतापूर्वक वापस लाने में कामयाब रहे हैं। दिल्ली में हुई इस बड़ी जुटान के बाद विजय कुमार बंधु एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि सालों से प्रदेश में पेंशन को लेकर आंदोलन चला रहे, लेकिन दिल्ली में इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने भीड़ जुटा दी, जिसके बाद एक बार फिर से इस व्यक्ति का नाम राष्ट्रीय फलक पर चमक उठा है। लखनऊ में अपना आंदोलन चलाने वाले विजय कुमार बंधु नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके साथ ही अटेवा नाम के संगठन को भी चलाते हैं, जो ऑल टीचर्स एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के रस्तोगी इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले विजय मूल रूप से इलाहाबाद के रहने वाले, जो अब प्रयागराज हो चुका है। किसान परिवार में जन्मे विजय कुमार साल 2013 से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए संघर्ष करना शुरू कर चुके थे। अब वो इसको राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने में कामयाब रहे। हैदराबाद से शुरू हुआ रैलियों का सिलसिला दिल्ली में विशाल रूप में सामने आया, जिसको देखकर सरकारों में भी हलचल है और पार्टियां भी अब इस विषय में सोचने को मजबूर हो रही हैं। 2004 में बंद हुई पेंशन के खिलाफ आंदोलन की कामयाबी राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक जैसे राज्यों में मिल चुकी। अब सीधा मोर्चा केंद्र और आने वाले चुनावी राज्यों में। दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटे नेताओं ने कहा कि कर्मचारी 1 जनवरी 2014 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं, वो नई पेंशन स्कीम का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी सेवानिवृत्त के बाद अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, क्योंकि उन्हें पुरानी पेंशन योजना से वंचित कर दिया गया और नई पेंशन योजना में शामिल होने को मजबूर किया गया। धीमी रफ्तार से शुरू हुआ आंदोलन अब बड़ा हो गया है, जिसे संभालने के लिए सरकारों को अब निर्णायक फैसला करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये आंदोलन केंद्र की सरकार ही नहीं, बल्कि जहां जहां राज्यों में चुनाव है वहां भी एक बड़ा मुद्दा साबित होगा और निर्णायक भी, जो वोट बटोरने के साथ साथ वोट देने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।